पुलिस थाना राजगढ़ से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक घर में चाकू की नोक पर दिन दहाड़े बदमाश ने 55 वर्षीय महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस थाना राजगढ़ के समीप स्थित त्रिमूर्ति नगर कॉलोनी में एक ठेकेदार के मकान में बदमाश चाकू और कट्टे से डराकर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण ले उड़ा। इतना ही नहीं, बदमाश जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दे गया। घटना के बाद से ही त्रिमूर्ति कॉलोनी के लोगों में भय व्याप्त है। जानकारी के अनुसार त्रिमूर्ति कॉलोनी का रहने वाला हितेश आज दोपहर लगभग 12 बजे बाजार गया हुआ था एवं उसकी माताजी लता भाई घर पर अकेली थी। इतने में एक बदमाश घर में घुसा और उसने गर्दन पर चाकू लगाते हुए देसी कट्टा डाल दिया और बोला कि जितने भी रुपए और रकम है दे दो। बदमाश के डर से लता भाई ने अपने आभूषण और घर की अलमारी में रखी नकदी व अन्य आभूषण बदमाश को दे दिए। लूट करने के बाद बदमाश ने लता बाई से कहा कि अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो मैं तुम्हारे बेटे और उसके बच्चों को जानता हूं, मैं उन्हें मार दूंगा। ये चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? चोरी ये हुई है, यहाँ पर मम्मी अकेले थे घर के अंदर और मेरा 2 मिनट में आना हुआ घर पे और अंदर एक व्यक्ति था अंदर गया, रुमाल रुमाल बांध के मैं पुलिस वाला हूँ करके अंदर गया। आए मम्मी ने उसको पानी के लिए अंदर गए लेने, इतने में उसने चक्कू और माउजर निकाल, बंदूक कट्टा जो भी था उसके पास जी, वो निकाल के मम्मी को लगाया। उसने बोला जो भी वो दे दे, मैं तेरे लड़के को पहचानता हूँ, जान से मार दूंगा। मम्मी घबरा के फिर उसको अंदर रूम में ले गए, रूम में बिठाया, उसने जो भी सामान है फटाफट निकाला। तो उसने सब जो भी था, कान के थे मम्मी के, कान के निकला है, मंगलसूत्र निकला है और जो भी मेरी वाइफ की रकमें थी सब निकलेगा, पैसा वैसा जो भी था जितना भी निकाल के दे दो, हमारे पास बहुत पैसा है, यूँ करके उसने सब पैसा निकलाया और मम्मी ने उसको जो भी था वो दे दिया उसको। अंदाजे के पैसे में कितना माल गया है? 50,000 रुपये नकदी थे और रकम कई 1.5 लाख रुपये के समथिंग, 2-1 लाख रुपये के समथिंग। घटना के समय आप कहाँ पे थे? मैं बस स्टैंड पे था न्यूजोराटो। जिसके बाद में आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना कि मैं चोर के पीछे यहाँ से दौड़ा भी सही जी, चोर आगे भागा जी, मेरे को मदर ने पकड़ लिया था कि चोर के पीछे भगा भी सही। मैं पुलिस को पीछे 2-3 व्यक्ति भी थे पुलिस वाले, उनको मैंने बोला भी सही, तो उन्होंने आगे जाते हैं करके बोला, मैं पीछे दौड़ा पकड़ने के हिसाब से उनको, तो फिर वो फरा मिला नहीं मुझे। फिर मैं पुलिस थाने पे गया, इतनी देर में पुलिस थाने पे जाने के बाद वो 5-10 मिनट तो उन्होंने ही कर दिए जी पकड़ जवाना ने। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला चलो कहाँ पे गए किधर गए, अब इतना तो अपने को पता ही नहीं कहाँ पे गए चोर, बताया पीछे 2 व्यक्ति थे और आगे 1 व्यक्ति गया मार्केट तरफ। आपका शुभ नाम? हितेश वर्मा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।